नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मनी मैटर्स। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बोरोसिल रिन्यूएबल्स के बारे में। अब कंपनी का बिजनेस, कंपनी के प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक हैं, बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। तो कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, आपको मैं बताऊंगा कि क्यों सोलर पावर के लिए हमें बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। उसके अलावा कंपनी के फंडामेंटल्स देखेंगे, प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस मैंने इस कंपनी का डिटेल में किया है, तो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस से देखेंगे कि फ्यूचर में क्या लेवल्स स्टॉक के हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आई विल रियली अप्रिशिएट इफ यू सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज हिट द बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड अ वीडियो यू विल गेट द नोटिफिकेशन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अब मैं आपसे बात करूंगा व्हाई आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट सोलर एनर्जी। अब देखिए, भविष्य में हमारे जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं लाइक पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, कोल, ये सब खत्म हो जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट इंडिया में बढ़ता जाएगा बिकॉज वी आर ए डेवलपिंग इकोनॉमी। तो उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, दैट इज रिन्यूएबल एनर्जी। और रिन्यूएबल एनर्जी में भी सोलर एनर्जी सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और एफिशियंट मेथड है, ये हम बोल सकते हैं। उसके अलावा दूसरा एडवांटेज यह है कि कॉस्ट ऑफ जनरेशन इज वेरी लेस। अगर हम लोग कन्वेंशनल सोर्सेज की बात करते हैं, कन्वेंशनल पावर प्लांट हैं जो गैस फायर्ड या कोल फायर्ड, उसमें अगर हम एक यूनिट 10 रुपए में बनाते हैं तो सोलर पावर बनाता है 2.5 रुपए में, तो 1/4 के आसपास ऑलमोस्ट कॉस्ट है इसका। तीसरा जो बहुत बड़ा फायदा है वो है ग्रीन एनर्जी का। देखिए, सोलर एनर्जी में किसी भी तरह के एमिशंस नहीं निकलते, किसी भी तरह का पोल्यूशन नहीं होता। भविष्य में आप जैसे देख सकते हैं कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट भी नाउ यूनाइटेड स्टेट हैज रिस्टोर्ड इट, तो भविष्य में इन सारी चीजों पे भी कंट्रीज काफी ज्यादा ध्यान देंगी। और इस चीजों को लेके भी हम लोग बोल सकते हैं कि सारी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, इंडिया इज हैविंग वेरी ऑप्टिमिस्टिक plan about solar energy now and it will be become more aggressive in future. तो इन सारी चीजों को देखें, so this company will be very important because they are the leading manufacturer of solar panel in India. तो दोस्तों अगर न्यूज की बात करें तो आप देख सकते हैं इंडिया फ्रांस जॉइंट इनिशिएटिव टू बूस्ट टाइज इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। अब देखिए, जहां एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात आती है वहां बात आती है रिन्यूएबल एनर्जी की। और इस आर्टिकल में अगर आप आगे पढ़ेंगे, मैं इसको समराइज कर देता हूं, मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर हैज मेंशन कि 26% से लेकर हमारा जो एमिशन इंटेंसिटी है वो कम हुआ है। और उसके बाद जो हमारा अभी टोटल पावर जनरेशन है वो है 19 GW रिन्यूएबल एनर्जी का, उसमें से 36 GW है सोलर का और 38 है विंड एनर्जी का। अब अगर हम लोग इंडिया के फ्यूचर प्लान्स देखें तो इस आर्टिकल में इसका लिंक मैं कोशिश करूंगा पेस्ट करने का कमेंट बॉक्स में। तो इंडिया का प्लान है कि 90 GW अभी है कैपेसिटी और 2022 तक हम उसको लेके जाने वाले हैं 175 GW तक, मतलब आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट डबल बाय 2022। उसके बाद 2030 तक हमारी प्लान ये है कि हमारा 60% जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी है वो हम लोग क्लीन एनर्जी सोर्सेज से जनरेट करेंगे। सो क्लीन एनर्जी सोर्स कौन से हैं? वन इज योर विंड एनर्जी, अनदर इज सोलर एनर्जी। अब देखिए, विंड एनर्जी के अपने लिमिटेशंस हैं, मैं टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगा। बाकी विंड मिल आप कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड बहुत होती है, कॉस्टली होती है और उनका मेंटेनेंस भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। सोलर पैनल्स में वंस यू इंस्टॉल इट, वन इंपॉर्टेंट मेंटेनेंस एक्टिविटी विच यू डू इज क्लीनिंग द पैनल्स। तो उसके हिसाब से सोलर पैनल बहुत ज्यादा सिंपल है। अब अगर इंडिया के बजट की बात करें, सो दिस इज द थर्ड आर्टिकल, आई एम सॉरी, दिस इज आर्टिकल रिलेटेड टू द बजट। तो अगर इसको हम लोग समराइज करें तो अभी जो इंडिया का बजट आने वाला है उसमें हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में ज्यादा बात करेंगे, उसके ऊपर ज्यादा बजट हम लोगों का एलोकेट होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो यूनाइटेड नेशंस हैं वो भी काफी ज्यादा, आपको पता है कि यूनाइटेड नेशंस हम काफी ज्यादा लोन लेते हैं, तो उन सब चीजों में उन कंट्रीज को वो ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे जो क्लीन एनर्जी की तरफ ज्यादा काम कर रही है। तो दोस्तों अगर सारी चीजें डिस्कस करें तो क्योंकि बोरोसिल रिन्यूएबल इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो सोलर पैनल बनाती है, तो फ्यूचर में आप देख सकते हैं कि कंपनी को इन सारी चीजों से काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। अब कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर आप बात करें तो आप देखिए 2 mm फुली टेम्पर्ड सोलर ग्लास, ये प्रोडक्ट है। बोरोसिल रिन्यूएबल इज द ओनली कंपनी इन द वर्ल्ड हु इज मैन्युफैक्चरिंग 2 mm फुली टेम्पर्ड सोलर ग्लास। उसके बाद अगर आगे प्रोडक्ट्स की बात करें तो एंटी ग्लेयर ग्लास बनाती है, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग वाला ग्लास बनाती है। अब देखिए, अगर जो एयरपोर्ट्स हैं, आपको पता है इंडिया के कुछ एयरपोर्ट ऐसे हैं जो टोटली ग्रीन एनर्जी पे ऑपरेट हो रहे हैं, तो अगर एयरपोर्ट पे आप ऐसा ग्लास लगाएंगे जो एंटी ग्लेयर होगा तभी आप अपनी फ्लाइट ऑपरेट कर सकते हैं, अदरवाइज जब फ्लाइट लैंड करेगी तो उसको रिफ्लेक्शन होगा एंड इट विल क्रिएट प्रॉब्लम टू द पायलट। तो इस तरह के प्रोडक्ट भी हैं बोरोसिल रिन्यूएबल्स के पास। उसके बाद हाई
एफिशिएंसी सोलर ग्लास, एंटीमनी फ्री सोलर ग्लास. तो प्रोडक्ट्स की बात करें तो दे आर हैविंग वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट एंड दे आर लीडिंग द वर्ल्ड इन सर्टेन प्रोडक्ट्स. सो दिस इज अ वेरी इंप्रेसिव थिंग अबाउट दिस कंपनी. दोस्तों अब देख लेते हैं टेक्निकली स्टॉक में क्या चल रहा है. तो अगर पिछले 6 महीने का मूवमेंट देखें स्टॉक का, तो 2-2.5 महीने के आसपास स्टॉक ने कंसोलिडेशन किया, उसके बाद एक रेंज बाउंड मूवमेंट था स्टॉक का. अब पिछले 1.5 महीने से जो स्टॉक का मूवमेंट है, 1.5 या 2 महीने आप बोल सकते हैं, एक तरीके से फ्लैग पैटर्न फॉर्म किया है स्टॉक में और फ्लैग का ब्रेकआउट भी हुआ है. अब कैच ये है कि बजट आने वाला है. अगर बजट अच्छा आता है और एक्सपेक्टेशन को मीट करता है मार्केट की, तो डेफिनेटली स्टॉक में अप मूव चलता रहेगा. लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि क्योंकि ग्लोबल मार्केट में अभी वीकनेस है, ग्लोबली मार्केट करेक्ट हो रहा है, तो हमारे मार्केट में भी अगले ट्रेडिंग सेशन में आपको करेक्शन होता हुआ दिख सकता है. तो अगर इस मार्केट में करेक्शन होता है तो ये वाले लेवल्स आपको आते हुए दिख सकते हैं. तो पहला लेवल है 250 के आसपास, दूसरा लेवल है 230 के आसपास और तीसरा लेवल है 210 के आसपास. तो ये वाले सपोर्ट्स हैं जो स्टॉक ले सकता है. अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो ये जो दो रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ किए हैं काफी पुराने रेजिस्टेंस है स्टॉक के. तो स्टॉक अगर बाउंस बैक करता है तो 295 का लेवल या रेजिस्टेंस पहला है और 320 के आसपास का दूसरा रेजिस्टेंस है. अगर मेरा ओपिनियन पूछेंगे तो जरूर स्टॉक में करेक्शन होगा अगले उस ट्रेडिंग सेशन में, मार्केट में वीकनेस है, लेकिन इट इज नॉट परमानेंट. डेफिनेटली स्टॉक विल बाउंस बैक और आपको अच्छा मूवमेंट स्टॉक में बाद में दिख सकता है. दोस्तों जो नेगेटिव चीज है इस स्टॉक के बारे में या जो नेगेटिव पैरामीटर्स हैं वो है इसके फंडामेंटल्स. स्टॉक के फंडामेंटल्स अभी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, तो मैं आपको पहले ये बता देता हूँ, दिस कंपनी इज नॉट लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली. लेकिन फ्यूचर की बात करें बिजनेस कंपनी का मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. तो चलिए इसके फंडामेंटल देख लेते हैं. आप कह सकते हैं 3,500 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, लेकिन डेट कंपनी के है 92 करोड़ का डेट है कंपनी के ऊपर. कैश अवेलेबल इज 4.35. कंपनी की अगर शेयर होल्डिंग की बात करें तो इस फ्रंट पे कंपनी अच्छी दिख रही है. प्रमोटर्स के पास 50% से ऊपर की शेयर होल्डिंग है, 61.89 की. प्लेजिंग कुछ नहीं है, जरूर शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स की कम हुई है, समटाइम्स फॉर कैपिटल रिक्वायरमेंट और फॉर बिजनेस एक्सपेंशन दे नीड मनी एंड दे सेल देयर शेयर इन मार्केट. तो ये एक रीजन हो सकता है. प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो आप देख सकते हैं 2018-19 में 46 के आसपास का करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ. 2020 में प्रॉफिट काफी कम है क्योंकि प्रोजेक्ट्स एकदम से कोरोना के कारण काफी कम हो गए. सो दैट कुड बी द रीजन बिकॉज ऑफ दिस फॉल इन प्रॉफिट. अगर रिजर्व्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कंपनी ने रिजर्व भी अपना 300 करोड़ से ऊपर का मेंटेन किया हुआ है. अगर कंपनी के स्टॉक प्राइस के सीएजीआर की बात करें तो आप देखिए 10 साल का भी अगर एवरेज लेके चलें तो 51% है. तो इस हिसाब से दिस स्टॉक इज लुकिंग इंप्रेसिव. बट यस, रिटर्न ऑन इक्विटी इज नॉट वेरी गुड, इट इज 5%. मेरे को लगता है इन फ्यूचर दिस डेटा विल इंप्रूव. तो दोस्तों अगर फाइनली वीडियो को कंक्लूड करें तो हम बोल सकते हैं कि बोलोसिल रिन्यूएबल का बिजनेस फ्यूचर में काफी अच्छा दिख रहा है बिकॉज सोलर पावर प्लांट काफी ज्यादा लगने वाला है एंड रिक्वायरमेंट ऑफ सोलर पैनल्स विल बी ह्यूज एंड बोलोसिल रिन्यूएबल इज द लीडिंग मैन्युफैक्चरर इन इंडिया हु इज डूइंग दिस जॉब. तो कंपनी काफी अच्छी है. किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग करने से पहले प्लीज डिस्कस सेम विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर. दिस वीडियो वॉज फॉर एजुकेशन पर्पज. आई विल रियली अप्रिशिएट इफ यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे विल ऑल्सो गेट द सेम इन्फॉर्मेशन. सो दैट्स इट फॉर नाउ. बाय बाय. वंदे मातरम.